सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सार दर्शकों का गुंजा सिख विरसे दी साड़ी खास पेशकश के। इस खास पेशकश के दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बीते हफ्ते के जोड़े भी कार्य किए जाते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने। सो बीते हफ्ते दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किहड़े कार्य किए गए पूरी खबर पर नज़र पावांगे। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की जिसका नाम है गुंजा सिख विरसे दी। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली के इतिहासिक गुरद्वारे गुरुद्वारा शीशगंज साहब विखे नवीनीकरण का काम करवाया जा रहा। दरअसल जिहड़ियां पंक्तियां बाणी दियां वो पंक्तियां जिहड़ियां दीवार दे उत्ते लिखियां गईयां ने उसका नवीनीकरण का काम दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों करवाया जा रहा। तो यह सेवा सौंपी है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाबा बचन सिंह जी ने। जी हाँ, बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वालों वालों ये सेवा ली गई है तो इतने नवीनीकरण का काम किया जा रहा। तो जिहड़ियां पंक्तियां दीवार दे उत्ते लिखियां हुई हैं उसनू दोबारा कलर किया जा रहा। पर इस शब्द विरोधियों वालों दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो उस पंक्तियों के नाल छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसनों लैके दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने स्पष्टीकरण दिता कि कुछ क्या उन्होंने। आओ सुनते हैं। पिछले दो तीन दिनों तो दिल्ली के बीच एक ऐसा माहौल बना के दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। गुरबाणी के नाल छेड़छाड़ करन दे इल्जाम लाए जा रहे हैं। मैं अज संगतां नूं दसना चाहुंदा कि जो गुरद्वारा शीशगंज साहब कार सेवा वा चल रही है, बहुत ही सत्कारित बाबा बचन सिंह जी और उन्हां दी संस्था बाबा सुरिंदर जी साडे नाल बैठे ने, बाबा रवि जी साडे नाल बैठे ने। जिहड़ियां सारियां सेवावां उत्थे चल रही ने उहदे विच जिथे अंदरले हॉल दे विच मीनाकारी का काम चल रहा है, पेंट का काम चल रहा है और उत्थे जिथे गुरबाणी के अखर लिखे ने, गुरबाणी लिखी है उहदे अखरां दे विच किधरे ना किधरे जिहड़ियां कमियां दे बारे इस गल नूं चुकिया गया। मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा कि उहदा प्रोसैस की है। उहदा प्रोसैस क्योंकि ये पिछले 35-40 सालों तो इत्थे पत्थर लगे है और उहनां दे विच जिहड़ियां लिखाई दे विच कमियां सी क्योंकि पहले सोशल मीडिया का टाइम नहीं सी और उत्थे जिहड़ियां वो पत्थर दे विच इंग्रेव चीज़ां ने बाबा जी उन्होंने उसी चीज़ के उत्ते उन्हूं हाईलाइट किया क्योंकि इस बारी उहदे उत्ते जिहड़ा काम हो रहा गोल्डन पेंट दे नाल हो रहा और इस करके दूरों चमकदा वो जिहड़ा पेंट चमकण दे नाल जिहड़ियां उहदे विच कमियां पुराने समें दे विच हैगियां सी इन्हां दा काम सिर्फ उसनूं वापस उस जगह नूं एज़ इट इज़ बनाना और उस तो बाद असी ग्रंथी साहिब शीशगंज साहब जी दे उन्हां दी ड्यूटियां लाइया हुई सी कि जिहड़ा ब्लॉक तैयार हो जाए उहदी विचों कमी कढ के तुसीं उहनूं ठीक कराउणा। जिहड़ी हत्थों हत्थ ठीक हो सकती है बाबा जी होरां ने उहनूं ठीक कराता। कई इहो जिहे अखर हैगे है जिन्हां नूं इंग्रेव करके ही ठीक किया जा सकता है क्योंकि उहनां दे उपर जिहड़ी मीनाकारी पत्थर दी हो रखी उहदी जगह ना होण करके कई इहो जिहे काम ने जिहड़े इहनां दे स्कोप दे विच हैगे ने और उहनां नूं इस करके रोकिया गया। हले उत्थे काम चल रहा और ये काम हले लगातार क्योंकि वो दे विच बहुत वड्डी सेवा है उहदे विच जिहड़ा कलर कॉम्बीनेशन बनाया जा रहा है, कलर उहदे विच फिल किया जा रहा है, ये हले काम चलता पिया। उस चलते काम दे विच जा के इहो जिहियां त्रुटियां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां गईआं कि जिस तरीके दे नाल असीं रोज़ बोर्ड दे उत्ते हुक्मनामा लिखदे आ और लिखते लिखते अद्धा क हुक्मनामा लिखिया जाए और कोई फोटो खिंच के कल कह दे कि जी ये बाणी का अनादर करता जी अद्धा हुक्मनामा लिखना शुरू करता है। इहो जिहियां कोजियां साजिशां जिहड़ियां कीतियां जा रही और नमोशी होंदी है कि दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुने हुए नुमाइंदे इन्हां दे इहो जिहे गल्लां नूं इशू चुक के और उहदे उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस करके अपने दावे ठोकदे है, अकाल तख्त साहब जांदे है। सो ये जिहड़ियां स्पष्टीकरण देण वास्ते जिथे मैं आप अपनी जिम्मेवारी समझी है, बाबा जी उन्होंने कहाँगा कि जरूर अपनी गल दसन और भाई साहब उन्होंने गल दसनगे कि जो जो ये गल उस तरीके हो रही है। सो मैं बेनती कराँगा पहले बाबा सुरिंदर जी जिहड़े सारी दिल्ली के जिन्हिया भी कार सेवावां होंदियां उन्होंने सब तो अगे वध के यही देखते हैं उन्हों की जिम्मेवारी और मैं उन्होंने कहाँगा कि वो अपनी गल जरूर रखन। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो शीशगंज साहब के अंदर की सेवा बाबा बचन सिंह जी कार सेवा दी गई थी उस संबंध में आप जी दसना चाहना कि जो उत्थे जो तुकां लिखिया वो पत्थर ग्रेव हुई हुई ने पुराने समय दी हुई ने उस कोई छेड़छाड़ नहीं की ना कोई वधाएगी ना घटाएगी। अस उस गोल्डन सोना तो दूजा रंग करके उन्होंने
सुंदरी दिता उन्होंने भरया है वो घर नाल उगड़िया कुछ पुरानी जी टूटियां पहला होनी वही हो जाइया ने उस ना कोई नवा कुछ रंग माता लाई गई है ना हटाई गई है जो है अज इट जो पुराना उही अही कृपा कीता उस कोई छेड़छाड़ नहीं की मेरी यही बेनती है कुछ उन्ताइया है ने भाई साहब जी प्रधान साहब ने ड्यूटी लाई और जो वो चाहिए पंथ वेख के सर के ठीक किया जा सकता कोई गल नहीं गई मेरी यही सब बेनती है कि जो टूटी कोई है पिछले कोई पिछले टाइम जो रह गई उही होगी तो उन्होंने ठीक भी किया जा सकता जो प्रधान साहब ड्यूटी ला गए जितने कोई उन्ताई है जो बेनती पंथ करेगा उस ठीक कर दी जाएगी पर जो आया जिते जो उही है उस कोई छेड़छाड़ नहीं की गई मेरी यही बेनती है सिसगंज साहब के ग्रंथी साहबान जिन्हों की ड्यूटी हैड ग्रंथी साहब ने ला रखी है और जिस तरीके दे नाल जेड़ा ब्लॉक ठीक हुंदा है उन्हों कंप्लीट हुंदा है उन्हों चैक करते हैं और चैक करन तो बाद कोई कमी हो रही है उन्हों नालों नाल ठीक करा रहे हैं जिहड़ी गल मैं पहली भी कही और जिहड़ी नहीं हो सकती उस ब्लॉक नूं रोका जांदा है क्योंकि उहदे विच इंग्रेविंग करके होनी है हुणे भी बाबा जी सानूं इह गल कर रहे सी कि जिहड़ियां तुसीं सारियां पहले एक इहदियां जिहड़ियां मिस्टेक्स हैगियां ने उन्होंने सारियां नूं इकट्ठी कर ली जाए और क्योंकि जिते इंग्रेविंग होनी है वो वाला पार्ट वैसे उन्होंने स्पैशल टीम बुलानी पैनी है सो एक काम चलते काम के जिहड़ी है गल्लां नूं नुक्ताचीनी करनी शुरू की है मैं भाई साहब उन्होंने कहांगा अपनी गल रख ये जो सेवा कार सेवा वाले बाबा बचन सिंह जी होना के अंडर चल रही है तो इन वालों हूबहू जो जिस तरह पंक्तियां जो लिखिया ने इन्होंने कहा कि असं कोई छेड़छाड़ नहीं करा अपने वाले ही उस तरह ही लिखा तो हुण बाबा जी उन्होंने जो बेनती की है भी ये भावें पुरानिया ने पुरातन लिखिया हुई ने भावें काफ़ी सालों तो लिखिया हुई ने पर इन कुछ गलतियां ने जिस तरह औंकड़ है जां कि सिहारी है ये रह गई ने तो उन्होंने हुण साडी ड्यूटी लाई गई है हैड ग्रंथी साहब वालों के इन्हों भावें कि पुरानिया गलतियां ने पर हुण इन्हों दोबारा वो गलतियां जिहड़ियां वह ठीक कीतियां जाण ते काफ़ी गलतियां असीं आ फोटो खिंच के लाए हैं मोबाइल दे विच काफ़ी गलतियां जड़ियां ने वो ठीक कर दित्तियां गईयां ने ते जो रह गईयां ने वो नाल नाल जिस तरह पत्थर दे जगह घट है ते वो उत्थे अंकड़ पाउणा ते वो जगह नहीं बचदी ते वो हौली हौली वो ठीक कर रहे ने जिस तरह भी उस समय दे नाल चल रहा सो बेनती है कि अजे काम जिहड़ा वो संपूर्ण नहीं होया अजे काम चल रहा ते चलदे काम दे विच इस तरह वीडियो नहीं पाउणी चाहीदी जदों काम समाप्त हो जाए पूरा हो जाए उस तो बाद अगर कोई गलती होएगी तो फिर असी जिम्मेवार हाँ तो इस तरह चलते काम के जी वीडियो ये नहीं शेयर करनी चाहिए जो गुरुद्वारा सिसगंज साहब विखे मीनाकारी का कार्य चल रहा है तो कुछ दिनों तो इस उत्ते बड़े व्यू आ रहे हैं उस वेखद एको बेनती है कि जदों तक ये कार्य पूरा नहीं होंदा उदों तक सारिया त्रुटियां भी पूरी नहीं हो सकदियां ज्यों ज्यों कार्य चल रहे हैं त्यों त्यों उहदे विच जो जो कमियां नज़र आउंदियां ने उन्हां नूं कोशिश करके हुण असीं ठीक कराना शुरू किया होया भी जिहदे विचों कुछ कु बेनतियां आप जी नूं मैं विखा दिंदा हाँ कि किस तरीके दे नाल इह गलतियां पहलां दियां सन पुरातन ते उन्हां नूं ठीक किया जा रहा जिवें कि तुसीं वेखना चाहोगे इत्थे पंगती है निस दिन ते निस दिन दे सस्से नूं निस दे सस्से नूं सिहारी नहीं लगी हुई सी असीं लवाई है तो दिन के नन्ने सिहारी लगी हुई सी वो हटवाई गई है दूरों पता भी लगता वेखण तो नन्ने औंकड़ लाई गई है दूजे पासों होर आप जी ने विखा देना जिस तरह ये शब्द हर अनाथ को ना हर अनाथ के नाथ पर शब्द लिखा से अनाथ वो दुलावा हटाइया गई इस तरह होर अनेक त्रुटियां अजे हैं तो ठीक करवा ज्यों ज्यों कार्य पूरा होएगा तो ठीक ता ही हो क्योंकि पहला जिहड़ा सी काले अखरां विच ना कोई पढ़दा सी ना वेखदा सी हुण ज्यों ज्यों नज़र आ रहे त्यों त्यों दूरों पता लगता है उन्हां नूं ठीक नाल नाल कराया जा रहा है इस करके इहो ही बेनती करांगे भी जदों तक कार्य पूरा नहीं हो जांदा उदों तक इहो जिहे गलत व्यू ना दित्ते जाण एक बार कार्य पूरा होवे उस तों बाद कहना बनता भी इह त्रुटी रह गई है तो उसनों ठीक किया जाए फिर गल चंगी लगती है गुंजा सिख विरसे दीआं साडी खास पेशकश इस तरह जारी रहेगी फिलहाल रुकदे हां ब्रेक दे लई ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु अंगद देव जी के प्रकाश पुरब मौके विशेष कीर्तन समागम दिल्ली के इतिहासिक गुरद्वारे गुरद्वारा बंगला साहब विखे करवाए गए तो इस मौके दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचार कमेटी वालों गुरमुखी दिवस वजो यह समागम मनाया गया जी हाँ दिल्ली के इतिहासिक गुरद्वारे गुरद्वारा बंगला साहब विखे गुरमुखी दिवस कैंप गुरद्वारा बंगला साहब विखे लगाया गया जिस दे विच बच्चों वालों भी ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਔਰ 35 ਅੱਖਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਅੱਖਰ ਹੈ ਔਰ 35 ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 26 ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅੱਖਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 35 ਅੱਖਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਊੜੇ ਏੜੇ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ 35 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਰਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਭੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ।
और गुरु अंगद साहब महाराज ने जिहड़ी सानू गुरमुखी लिपि बख्शी और दुनिया की सब तो अमीर लिपि है, ये इकली लिपि है संसार दे विच कि दुनिया की किसी भी लिपि का किसी भी भाषा का कोई अक्षर होवे उन्हूं गुरमुखी लिपि दे विच लिखिया जा सकता है। इन्ने अक्षर ने और इन्नियां लगा मात्रा ने जिहड़ियां दुनिया दियां किसी भाषा दूसरी दे कोल नहीं हैगियां। और अज सारा सिख जगत कोशिश कर रहा है कि अज का दिन गुरु अंगद साहब के गुरपुरब न गुरमुखी दिवस के तौर पर मनाया जाए। और उस कड़ी में दिल्ली कमेटी वालों धर्म प्रचार कमेटी वालों सवेरे 9 बजे तो यह कैंप लाया गया है कि इतने बच्चों अखर का बोध करवाया जाए, गुरमुखी का प्रचार किया जाए और ये प्रचार हो रहा है। और मैं खुशी है कि अज लखां की गिणती में जिथे संगतां इत्थे आके मत्था टेक रहीआं ने उत्थे संगत दे विच आए बच्चे जिहड़े ने उह खास करके अपना उत्साह विखा रहे ने और उन्होंने इत्थे आके हाजरी भरी है। और मैं उन्हां सारे वलंटियरां दा, उन्हां स्कूली बच्चों का, स्कूली अध्यापकों का और जिहड़े पंजाबी गुरमुखी नूं प्यार करदे गुरसिख ने, मैं उन्हां सारिआं दा सत्कार करदा, सारिआं दा धन्नवाद करदा जिहड़े आके अज इस गुरमुखी दिवस के इस प्रचार प्रसार के जिहड़ा जतन आ कि गुरमुखी अखर का बोध करवाया जाए और लोगों को दसिया जाए कि गुरमुखी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणी लगन वास्ते गुरबाणी पढ़न वास्ते साडे परिवारों वास्ते बहुत जरूरी है। और ये मैं एक बार फिर सारिआं दा धन्नवाद करदा और मेरी अरदास है कि वाहिगुरु सारिआं नूं होर शक्ति देण कि केवल एक दिन नहीं असी रोज़ इस प्रचार प्रसार के नाल परनाए जाइए तो सारिआं नूं पावन गुरपुरब दीआं फिर लख लख वधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी जो गुरद्वारा बंगला साहब के हैड ग्रंथी ने साफ तौर पर उन्होंने दसिया जिथे गुरमुखी का प्रचार बच्चों के विच कीता जा रहा उत्थे गुरबाणी कीर्तन का प्रवाह भी जिहड़ा है, कीर्तन समागम भी लगातार जारी है जिस दे विच वड्डी गिणती च संगत जिहड़ी है गुरु चरणां दे विच हाजरी लगवा रही है। कैमरा परसन परवीन दे नाल जसमीत सिंह, PTC न्यूज़ दिल्ली। गुंजा सिख विरसे दीआं साडी खास पेशकश इसे तरह जारी रहेगी, फिलहाल रुकदे हां ब्रेक दे लई। ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरबाणी विरसा संभाल सत्संग टकसाल वालों साचे मेल मिलाए समागम करवाया जा रहा है। यह समागम दिल्ली के इतिहासिक गुरद्वारे गुरद्वारा रुकाबगंज साहब स्थित लक्की शाह वंजारा हॉल के करवाया जा रहा है। यह समागम 13 तरीक, 14 तरीक तो 15 तरीक न होगा। इसकी जानकारी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्र जगदीप सिंह कालो वालों दिती गई है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरबाणी विरसा संभाल सत्संग टकसाल वालों एक बहुत ही अज के हालातों के मुताबक प्रोग्राम जो उलीकिया गया है जिसका नाम है साचे मेल मिलाए। ये प्रोग्राम 13 मई, 14 मई और 15 मई को भाई लक्खी शाह वंजारा हाल के सवेरे 8:30 बजे तो रोजाना आरंभ हो के शाम तक प्रोग्राम 2:30-3 बजे तक रोज़ के 3 दिन के प्रोग्राम होंगे जिस दे विच पहले 400 बीबिया के जथे वालों सुखनी साहब का पाठ अते कीर्तन होएगा। उस तो उपरंत बहुत ही विद्वान शख्सियत जिन्हां दे विच प्रोफेसर मनजीत सिंह, डॉक्टर जसपाल सिंह, सरदार सुखप्रीत सिंह उद्दोके, बीबी हरशिंदर कौर जी, इस तरह के सारे ही विद्वान स्कॉलर जेडे के अपने विचार संगत दे नाल सांझे करनगे। ये जिहड़ा विशा है साचे मेल मिलाए, इस विषय दे दा मकसद बेसिकली जो साडा नौजवान पीढ़ी है, नौजवान बच्चे अते बच्चियां हन, तुसी देखिया अज जो तलाकां दा तलाक जो हो रहे उन्हां दा रुझान वध रहा है, साडी मर्यादा दे मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब दे विच आनंद कारज है, तलाक दा कोई प्रोविज़न नहीं है, सो केवल आनंद कारज है। सो इस जो रुझान है इस नूं ठल पाउण वास्ते जो गलत फहमियां हन उन्हां दे बारे जागरूक करन वास्ते
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 400 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਈਏ ਘਰ ਪਿਆਰ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਮਤਭੇਦ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@PTCnetwork.com। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।